तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं हूं इसके सौरभ और आप सभी देख रहे हो लेजेंड्स यूट्यूब चैनल। और आज अपन लोग प्ले कर रहे हैं सोलो वर्सेस कर्ड। सोलो वर्सेस कर्ड में होता क्या है, मैं अकेला, मेरे सामने चार प्लेयर। और आज अपन लोग आईपीएल कमेंट्री तो करेंगे बट अलग ढंग से। मतलब कि इस गेम प्ले को अपन लोगों ने रिकॉर्ड किया है गेमिंग रिकॉर्डिंग से, मतलब आधा गेम गेमिंग रिकॉर्डिंग से है। और आईपीएल कमेंट्री तो चलेगी। सामने की साइड बंदे को धो दिया है बहुत ही ओपी तरीके से। इसी के साथ अपन लोग का खाता खुल चुका है और इसे लूटते हैं यार। इसके अंदर क्या मिलेगा अपन लोग को, एक वुडपेकर मिली है तो वुडपेकर ले लेंगे एक्समेट की जगह पे। सामने की साइड और प्लेयर्स हो सकते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। देखो पीछे और सामने दोनों की साइड एक प्लेयर है तो इन्हें देखते हैं। देखो होते हैं अपन लोग M10 का ओपी वाले, मतलब ओपी वाले बॉडी शॉट के साथ M10 के इसको धो दिया है। अंदर की साइड जो प्लेयर गया था उसको भी धोना है अपन लोग को। तो चलो ये शायद से डैमेज था, दो ही गोली मारी और बंदे का काम तमाम। तो चलो यार वीडियो करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड और बाकी सारे प्लेयर जहाँ पे मिलेंगे वहीं पर रोकेंगे वीडियो को। तो चलो यार, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सामने की साइड हमें दिखा है प्लेयर। ये गेमिंग रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा एरर चल रहा है, रुका होगा गेम। और चलो तीन गोलियां मार चुके हैं अपन लोग M10 की इसको। अब एक गोली का मेहमान होगा, एक गोली का। चलो एक गोली में खत्म। मतलब इस बंदे ने क्या ही दिमाग लगाया था कि अपने आप को पैक करेगा उसके बाद अपन लोग को धो देगा, बट अपन लोग ने इस चिमकांडी बंदे के ऊपर रस करके इसका काम तमाम कर दिया। तो चलो यार अब थोड़ा सा हिटलिस्ट करते हैं बंदे को और बाकी सारे प्लेयर जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे रोकेंगे वीडियो को। तब तक के लिए करते हैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सामने की साइड हमें दिखाया प्लेयर। और हाँ, क्रिकेट कॉमेंट्री करूंगा यार, मतलब उसको जरा सब्र करो। सामने की साइड बैनर की साइड है, इसको धोते हैं। 180 का डैमेज मिल चुका है बंदे को। चलो देखते हैं अभी इसको, एक गोली मारनी पड़ेगी। उसके बाद बंदे का काम तमाम बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। और लॉन्ग रेंज में अपन लोगों ने MP40 से मारा, बट ये मारा जा चुका है। क्यों? क्योंकि अपन लोगों ने 180 का इसको पहले ही डैमेज दे दिया था जीप से, तो जो कि एक दमदार बात है यार। तो चलो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सामने की साइड देखो ड्रॉप लूटा जा रहा है। आई थिंक सो उधर और बंदे हो सकते हैं क्योंकि ग्लू वॉल लगा है। मतलब कि हाँ, जो मैंने सोचा था वही हुआ है। लेफ्ट साइड में प्लेयर हैं बट रिस्क है तो किल है वैसा यार। अपन लोग और इधर से ग्लू डालना पड़ेगा, बात नहीं बनी। इसके पास ऐसे कोई शॉर्टकट वगैरह है तो इसी के साथ इस बंदे को कर दिया है काम, इस बंदे का कर दिया है काम तमाम। और आई थिंक सो सामने की साइड और प्लेयर्स है तो लेफ्ट वाले बंदे को वुडपेकर का एक हेडशॉट देखिए तुरंत हमें नॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हेडशॉट देके नॉक नहीं कर पाते अपन लोग तो राइट साइड से और भी प्लेयर्स आ सकते हैं और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हेडशॉट नहीं लग रहा क्योंकि अपन लोग के वुडपेकर के अंदर लगा हुआ है साइलेंसर। साइलेंसर में हेडशॉट नहीं लगता वुडपेकर का, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। बट आप सभी को जिसको नहीं पता उसको बता दे रहा हूँ कि वुडपेकर में अगर साइलेंसर लगा है तो हेड नहीं लगता यार जल्दी से। मतलब किसी भी गन में अगर साइलेंसर लगा है तो जल्दी हेडशॉट नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राइट साइड से कोई प्लेयर आ रहा है। इधर से एक ग्रेनेड करते हैं यार, रुको। ओह आज भाई सब मिनी यूजे से क्या मार पाएंगे। ओपी वाला हेडशॉट, मतलब क्या ही हेडशॉट लगा यार। एक और प्लेयर आता है इसको भी नॉक और इधर से एक ग्लू डाल देंगे अपन लोग। बहुत सही वाला बचे हैं कसम से। इधर राइट साइड से ये बंदा आया और लेफ्ट साइड से उस बंदे ने रश कर दिया, लेकिन अपन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग का उपयोग करते हुए इन बंदों को कर दिया है खत्म। 8 किल हो चुके हैं गाइस। और गाइस अगर आप सभी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और चलो यार थोड़ा सा क्रिकेट की बातें भी कर लेते हैं अब। तो आज मैच है MI वर्सेस RCB का, जिसके अंदर MI की तरफ से हार्दिक पांड्या को छोड़ के सब चल रहे हैं और RCB की तरफ से विराट कोहली को छोड़ के कोई नहीं चल रहा है। तो यही एक, मतलब ये कॉमन चीज़ है आप बोल सकते हो कि MI की पूरी टीम यार कोशिश कर रही है बट RCB की तरफ से केवल विराट भाई कर रहे हैं कोशिश। अगर विलजैस को ये लोग ट्राई, मतलब विलजैस को बोलते बोलते थक गया भाई, विलजैस को ट्राई नहीं कर रहे यार ये RCB मैनेजमेंट, भांग फूक के बैठी हुई है और विलजैस को ट्राई नहीं कर रहे। मतलब इतना अच्छा तोड़ू फोड़ू बैट्समैन जो कि साउथ अफ्रीका 20 में इतने सही 100 मार के आया है, बॉलिंग भी अच्छा करा लेता है, उसको चांस नहीं देना है, इन्हें खिलाना है 17.5 करोड़ के कैमरॉन ग्रीन को। मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि कैमरॉन ग्रीन अच्छा प्लेयर नहीं है, बट यार ये क्या है यार, मतलब 17.5 करोड़ का तुम उसको खरीदो, 15 करोड़ तुम विराट को दे रहे हो। चलो गाइस चलो पीछे आते थोड़ा सा वरना ये लोग बंदे अपन लोग को धो देंगे। तो इधर से एक नेट डालते हैं, आई थिंक सो इस नेट से डैमेज आएगा और अभी देखो किल आएगा, किल आएगा। और ये देखो देखो गाइस इतना गजब IQ उपयोग किया है यार। अब तुम लोग लाइक कर दो यार, अब इतने खतरनाक तरीके से ग्रेनेड से एक को नॉक कर दिया, एक को 185 का डैमेज दे दिया। होते हैं यार, आओ आओ बाहर और जाओ उकंग चचा, जाओ उकंग चचा के पास शॉटगन वॉटगन है तो थोड़ा दिख गया। चलो इसके साथ इसको भी खत्म कर दिया है। तो गाइस आप सभी क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अपन लोग डेली सोलो वर्सेस स्क्वाड और डुओ वर्सेस स्क्वाड की ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और क्रिकेट कमेंट्री जब तक IPL चलेगा तब तक करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली आज रन मारेगा और विलजैक्स को अगर खिलाते हैं तो RCB जीतेगी, वरना तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि मैक्सवेल भी फॉर्म में नहीं है। और सामने की साइड प्लेयर इसको वन टैप OP वाला, मतलब मस्ती मजाक के अंदर क्या ही हेडशॉट मारते हैं यार अपन लोग, मतलब
जहरीला हेडशॉट। अपनी तारीफ कर रहा हूँ बट तारीफ करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम लोग तो करोगे नहीं यार तारीफ, तो तारीफ मत करो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर इज इम्पॉर्टेंट, तारीफ तो मिलती रहती है। चलो सामने की साइड और प्लेयर्स हैं तो देखते हैं इधर से क्या होता है। हमें करना पड़ेगा अपने वेस्ट को रिपेयर, वरना एक गोली पड़ेगी हमारा वेस्ट हो जाएगा तोड़ फोड़ू। चलो एक एक रिपेयर की टॉर मार लेते हैं और राइट साइड में एक और प्लेयर, इसको धोते हैं अपन लोग। मर जा बॉडी शॉट के साथ, एक ग्लू लगाना पड़ेगा, नहीं मर चुका है चिमकांडी। और इसी के साथ अपन लोग के हो चुके हैं 14 किल, जो कि एक दमदार बात है। तो हाँ गाइज, अपनी क्रिकेट कमेंट्री पे वापस आते हैं। तो आज रोहित शर्मा का बल्ला बोल सकता है और तिलक वर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मुझे तो लग रहा है कि तिलक वर्मा अच्छे रन मारेगा, बट मैं तो चाह रहा हूँ कि ना मारे यार। आरसीबी अपनी जीतनी चाहिए। और विलडेस को खिलाओ, और किसकी जगह पे खिलाओ, रिश ट्रॉपली या फिर कैमरन ग्रीन की जगह पे खिलाओ, क्योंकि मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा नहीं है, बट उसको ड्रॉप नहीं कर सकते यार, क्योंकि वो बंदा जिस दिन चलेगा ना उसी का दिन होगा वो। सामने की साइड देखो प्लेयर्स हैं, तो इसको धोते हैं अपन लोग। और एक गोली, अरे मर जा। चलो एक गोली और ये उकोंग बन गया बे चिमकांडी, रुक आप बच नहीं पाएगा बे, उकोंग बन के तू बच जाएगा क्या? नहीं सर जी, इतना जल्दी थोड़ी यार। चलो यार थोड़ा सा वीडियो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, और बाकी सारे प्लेयर्स जहाँ हमें मिलेंगे वहीं पर रुकेंगे वीडियो को। तो सामने की साइड देखो ये प्लेयर है, और जुआन फिसल रही है मेरी थोड़ी बहुत, बट कोशिश करो यार। सामने की साइड प्लेयर को मार दिया है, इसको पता ही नहीं चला कि किधर से गोलियां पड़ रही हैं। वो सामने की साइड ग्लू वॉल लगा रहा था, क्योंकि अपन लोग के वुडपेकर के अंदर लगा हुआ है साइलेंसर, इस वजह से उसको अपन लोग की लोकेशन नहीं मिली। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करने के बाद सामने की साइड जाता हुआ प्लेयर, क्या अपन लोग इसको मार पाएंगे? राइट साइड से एक और प्लेयर जाता हुआ, क्या सौरभ भाई इसको मार पाएंगे? इसको मार दिया है सौरभ भाई ने बड़ी चालाकी के साथ, इसको मार देंगे अपन लोग पूरा। आई थिंक सो ये जीप का थोड़ा सा कवर आ रहा है, तो इधर आगे की साइड हमें लगाना चाहिए ग्लू वॉल, उसके कवर में जाना चाहिए, उसके बाद वहाँ से जाएंगे। वाह क्या दिमाग का उपयोग कर रहे हैं सौरभ भाई, अब इस दिमाग के लिए यार। इसी के साथ आप लोग के हो चुके 17 के। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना तो मैं भूल ही गया, तो हाँ सब्सक्राइब कर देना यार, और मतलब बोलना भूल गया मैं, करना क्या भूल गया, मतलब अपने चैनल को खुद कौन सब्सक्राइब करता है यार, तो इसकी बात नहीं होती। चलो हटाओ बाल की खाल, नहीं निकालेंगे अपन लोग। सामने की साइड प्लेयर जाता हुआ सौरभ भाई फिर से कोशिश करते हुए, बट एक भी हेडशॉट नहीं लग रहा, क्योंकि साइलेंसर लगे हुए गन के अंदर। क्या सौरभ भाई का ये द एंड है, देखिए पीछे की साइड से वो बंदा अपन लोग का ध्यान बटाते हुए आ रहा है, और क्या अपन लोग इसको मार पाएंगे? तो देखने वाली बात, अगर सौरभ भाई इसको मार देते हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। जो सामने की साइड चलते हैं, और गाइस कमेंट करो भैया अपन लोग का नहीं होता है तो देखते क्या होता। अबे ये क्या फेंक दिया मैंने यार, अपने ग्लू को तोड़ दिया भाई साहब यार, अब मैं गया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा यार। तो गाइस अगर अभी तक रुके तो वीडियो कहीं ना कहीं तो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। इसको धोते हैं अपन लोग, और अब इधर से मुझे सुपर मेडिकेट मारनी चाहिए थी, बट अपन मारते हुए इसी चक्कर में मारे जाते हैं, और इस बंदे ने बहुत तगड़ा बुया लिया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय।